दिस इज द बेस्ट लैपटॉप फॉर वीडियो एडिटिंग और फॉर गेमिंग। ये जो वीडियो है ये है रिव्यू Asus ROG Strix G17 2022 का डिटेल्ड रिव्यू। जी हाँ, ये बिल्कुल डिटेल्ड रिव्यू है और ये गेमिंग का रिव्यू नहीं है। अगर आप स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें। हालांकि मैं उसको टच करूंगा पॉइंट को कि गेम की परफॉर्मेंस किस तरह की आती है और वीडियो एडिटिंग की परफॉर्मेंस किस तरह से आती है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्विकली इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये है Asus ROG Strix G17 2022 वाला मॉडल है। इसके अंदर है Ryzen 7 6800H प्रोसेसर जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है। अगर आप 2021 वाले में जाएंगे तो वहां पर आपको मिलता है 5800H प्रोसेसर जो कि इससे आप समझ ही सकते हैं कि नंबर ज़्यादा है। तो ये एडवांस है, ये नेक्स्ट लेवल प्रोसेसर है, तो इसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इसकी रैम की। तो इसके अंदर है DDR5 16GB रैम जो कि एक्सपेंडेबल है अप टू 32GB। आप अप टू 32GB इसको एक्सपेंड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, लेकिन वीडियो एडिटिंग या गेमिंग के लिए 16GB इज इनफ और सफिशिएंट है। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा हाई एंड काम करते हैं तो इन दैट केस आप इसको 32GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। और इसके अंदर है एनवीडिया का RTX 3050 ग्राफिक्स कार्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज, वीडियोस एंड स्पेसिफिकली फॉर दी वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर है विदाउट ग्राफिक्स कार्ड के नहीं चलता है। विदाउट ग्राफिक्स कार्ड आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। जो रेंडरिंग टाइम है वो बहुत लंबा हो जाता है, समटाइम्स तो 10 घंटे 12 घंटे यूँ भी लग जाते हैं। बट इफ़ यू हैव दी डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड लाइक इन दिस केस जो कि RTX ग्राफिक्स कार्ड है 3050 और NVIDIA का, वो काफ़ी अमेजिंग है। अब बात कर लेते हैं इसकी स्टोरेज की। जो स्टोरेज है वो इसके अंदर है 512 की NVMe SSD। तो ये जो SSD है काफ़ी फास्ट होती है कंपेयर टू अदर SSD, नॉर्मल SSD, बट स्टोरेज काफ़ी कम है 512। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस फॉर गेमिंग पर्पज तब आपके लिए ये जो स्टोरेज है बहुत कम मिलेगी। हो सके तो आप 1TB वाला वर्जन ले सकते हैं जो कि इससे काफ़ी महंगा है अगर आप चाहते हैं, या फिर आप बाद में भी इसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि गेम आजकल जो आ रही हैं वो 120GB के आसपास गेम्स आ रही हैं। तो उसके लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि इसके अंदर स्टोरेज कम है तो आप ज़्यादा गेम इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी लुक्स की। तो लुक्स के बारे में ये है नेक्स्ट लेवल, ये बिल्कुल टॉप लेवल का डिज़ाइन है। इसकी लुक काफ़ी अमेजिंग है, स्पेशली इफ़ यू लव गेमिंग और इफ़ यू लव RGB लाइटिंग। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं तो RGB लाइट्स आपको बहुत अमेजिंग लगेंगे क्योंकि आप अपने स्टूडियो में रख सकते हैं। और इसमें कीबोर्ड हैं वो भी बैकलिट हैं RGB से 4 जोन में, प्लस में इसके नीचे भी एक स्ट्रिप दी है जो कि बहुत अमेजिंग लगती है। आप इसको इनके आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर के अंदर जाके इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स और प्रीसेट्स इसके अंदर अवेलेबल है। प्लस आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, लाइट को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको फुल ऑप्शंस दिए हैं, किसी भी तरह से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब इसका जो डिज़ाइन बॉडी की बात कर लेते हैं, बॉडी के डिज़ाइन के बारे में, तो बॉडी काफ़ी अमेजिंग है। पूरा टेक्सचर डिज़ाइन है, डार्क ग्रे कलर का ये वाला लैपटॉप है और इसके अंदर मतलब डिज़ाइन में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बिल्कुल आपको प्रीमियम लैपटॉप फील होगा, जिस तरह से आप 1 लाख के आसपास इसमें पैसे खर्च कर रहे हैं तो उसी तरह की आपको क्वालिटी मिलती है। सारी चीज़ सॉलिड है, कहीं मेटल भी यूज़ किया गया है बट मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक है इसमें जो कि हार्ड प्लास्टिक से बेहतर लगती है और बिल्कुल आपको ऐसा फील होता है कि जैसे कि ये एक मेटल की बॉडी है, बट मेटल की बॉडी नहीं है। बट काफ़ी अमेजिंग टेक्सचर दिए हैं, जगह जगह आपको मैट फिनिश मिलती है जो कि काफ़ी अमेजिंग है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें बहुत सारे वेंट्स दिए गए हैं। आप देखेंगे लैपटॉप के बॉटम पे, साइड में, पीछे बहुत सारे वेंट दिए हैं ताकि जो लैपटॉप है कभी भी हीट अप ना हो। इन वेंट्स में से हॉट एयर आती रहती है तो सिस्टम कूल रहता है, आपको मिलती है बेहतर परफॉर्मेंस।
तो जी हाँ, ये बहुत बहुत अमेजिंग है। प्लस ही प्लस इन्होंने कूलिंग टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज़ की है, जिससे कि जो थर्मल्स हैं वो कूल रहते हैं और उसका टेम्परेचर डाउन रहता है। आप अगर लंबे समय तक वीडियो गेम खेल रहे हैं या वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो हीट अप हो जाता है साइड से, बट कीबोर्ड्स वगैरह पर कोई भी हीट नहीं आती है। प्लस में इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं पे भी इफेक्ट नहीं होती है डिस्पाइट बीइंग हीट। और इसका जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम 85% तक ही जाता है, उससे ज़्यादा ये नहीं जाता है, तो जो कि काफ़ी अमेजिंग बात है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके अंदर लिक्विड मेटल कूलिंग टेक्निक का यूज़ किया है, जिससे कि नॉर्मल वाले सीपीयू की बजाय इसमें आपको जो टेम्परेचर मिलता है वो 60 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ऑलराइट, तो अब बात कर लेते हैं इसके हिंज की। हिंज काफ़ी अच्छा दिया है, मजबूत है, प्लस में काफ़ी अच्छी बैलेंसिंग है। आप एक उंगली से इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। अगर आपका एक हाथ कहीं पर बिजी है तो एक हाथ से आप इसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं, तो जो नीचे का हिस्सा है वो नहीं उठता है। रीज़न बीइंग कि इसके अंदर काफ़ी वेट है, जैसा कि आपको पता है कि ये 2.5 किलो के आसपास है, तो काफ़ी वजन है इसके अंदर, 2.5 किलो का हाथ है, तो आसानी से नहीं उठता। जो इसको उठाता है वो उठ जाता है। ओके, जोक्स अपार्ट, काफ़ी अच्छा इसका बैलेंसिंग है रीज़न बीइंग क्योंकि वेट है। अब बात कर लेते हैं इसकी ग्रिप्स की। तो बॉटम के अंदर इसमें रबर के काफ़ी सारे पैड दिए हैं, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़े बड़े पैड दिए हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे एक ग्रिप रहती है और ये टेबल वगैरह पर या फिर किसी स्लिपरी सरफेस पर भी आसानी से स्लिप नहीं होता है, तो वो टेंशन आप भूल जाओ। अब बात कर लेते हैं इसके कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड इसके अंदर फुल साइज़ का कीबोर्ड मिलता है विद नम पैड। अगर आप टाइपिंग वर्क करते हो, ऑफिस वर्क करते हो, प्लस में अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हो, तो ये नम पैड आपके काफ़ी काम आता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ शॉर्टकट कीज़ भी होती हैं लैपटॉप के अंदर, जो कि आपको नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसके अंदर आपको नहीं मिलती हैं, तो इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट है। और साथ ही साथ ये जो सारी कीज़ हैं वो बैकलिट हैं और इनके अंदर 4 जोन RGB है, जिसको 4 जोन में डिवाइड किया गया है। और आप इसके कलर्स को, इसके स्टाइल को, इसके लुक्स को आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं आर्मरी क्रिएट सॉफ्टवेयर में जाके। और कीज़ इसकी जो है वो चिकलेट कीज़ हैं, ये मैकेनिकल नहीं है, बट इनके अंदर टाइपिंग बहुत ही स्मूथ और ईजी होती है। इवन आई एन्जॉय टाइपिंग ऑन दिस, और काफ़ी अमेजिंग आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है। और कीज़ का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, तो अगर आपकी उंगलियां मोटी भी हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अब बात कर लेते हैं इसके ट्रैक पैड की। तो ट्रैक पैड भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी स्मूथ काम करता है, ये 5 इंच के आसपास आपको इसका ट्रैक पैड मिलता है और ये काफ़ी स्मूथ और ईजीली वर्क करता है। दो आई डोंट यूज़ ट्रैक पैड, बट दोज हु डू उनके लिए काफ़ी अच्छा है, वो ईजिली इसको यूज़ कर सकते हैं। आई प्रेफर माउस, क्योंकि उससे एक फास्ट काम होता है वीडियो एडिटिंग वगैरह में या फिर ऑफिस वर्क में टाइपिंग वगैरह के लिए, तो मैं उसके लिए माउस को यूज़ करता हूँ। बट दोज हु यूज़ दी ट्रैक पैड और जो इसके यूज टू हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छे से आपको वर्क करेगा ये और स्मूथ वर्क करता है, वेरी क्विक इसका रिस्पॉन्स है, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अब बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो इसके अंदर आपको 17.3 इंच की IPS लेवल डिस्प्ले मिलती है, जो कि बैकलिट भी है, तो काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप किसी ओपन एनवायरनमेंट में जहां पर लाइट भी आ रही है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें काम करने की। और ब्राइटनेस इसकी ठीक ठाक है, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो ब्राइटनेस हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आप कहीं पे भी इसको काम कर सकते हैं ओपन में भी। और डिस्प्ले में इसका स्क्रीन टू बेजल रेशियो काफ़ी थिन है, इसका 4.5 mm के साइड में जो बेजल्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग लुक है। और इसी के कारण इन्होंने इसमें वेबकैम नहीं दिया है, जो इसका एक ड्रॉबैक है। और इसके स्क्रीन का साइज़ है वो 85% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। तो बैटरी इसमें 19Wh की है, बट इन दिस केस क्योंकि एक परफॉर्मेंस लैपटॉप है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा बैटरी लाइफ आपको नहीं मिलने वाली है और आपको एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप बैटरी लाइफ चाहते हैं तो आप दूसरा कोई लैपटॉप ले सकते हैं, जैसे कि आप मैकबुक की तरफ जा सकते हैं या फिर कोई और देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, प्लस में लुक चाहिए, जिस तरह की इसके अंदर है, तो उसमें आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैंने इसको नॉर्मल कंडीशंस में टेस्ट किया था, जिसमें मैंने गेम वगैरह नहीं खेली, और इसकी लाइट्स वगैरह ऑन थी, ऊपर वाली कीबोर्ड की भी, प्लस में जो नीचे की RGB स्ट्रिप है वो भी ऑन थी,
उसी के साथ मैंने इसमें कुछ टाइपिंग वर्क किया था, प्लस में मैंने इसमें 3 यूट्यूब के वीडियोज़ देखे थे जो कि मैंने डबल स्पीड में या 1.5 स्पीड में देखे थे, और साथ ही साथ मैंने इसमें आधा घंटा म्यूज़िक सुना था जो इसके इनबिल्ट स्पीकर हैं। तो उसके बाद मुझे जैकअप मिला वो 2.5 घंटे के आसपास ही ये बिल्कुल बंद हो गया था। तो आपको ऑब्वियसली कम मिलने वाली है, हालांकि अगर आप लाइट को ऑफ कर देंगे RGB लाइट्स वगैरह तो आपको इसके अंदर आधे घंटे का और मैक्सिमम, या मैक्सिमम आप लगा लें कि 3 घंटे का आपको बैकअप मिल सकता है नॉर्मल कंडीशन में। हालांकि वीडियोस वगैरह आप देखते हैं तो उसमें आपकी बैटरी खर्च ज़्यादा होती है, तो आप अगर इस बात का ध्यान रखें, स्पीकर पे अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं प्लस में वीडियोस देख रहे हैं तो आपको जो बैकअप काफ़ी कम मिलेगा। तो अगर उसी की बजाय अगर आप हेडफोन पे सुनते हैं उसमें आपकी बैटरी कम खर्च होती है प्लस में आपको बैकअप ज़्यादा मिलता है। तो आप मान सकते हैं कि 2 या 3 घंटे इसमें आपको बैकअप मिलेगा नॉर्मल कंडीशंस में, और अगर आप ये म्यूज़िक वगैरह नहीं चलाते हैं तो ये 4 घंटे तक आपको मिल सकता है बैकअप। तो ये बात आप मान के चलिए, कोई आपको कितना भी कहे तो आपको 2-3 घंटे का ही बैकअप मिलेगा इसमें। और अगर आप गेम खेलते हैं, गेम खेलने के दौरान और या फिर वीडियो एडिटिंग करते हैं या कोई हैवी 3D सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं तो इन दैट केस आपको पावर प्लग इन करना पड़ेगा, बिना उसके आप काम नहीं कर पाएंगे, ये आधे या 1 घंटे के अंदर ही बोल जाएगा। तो इसकी बैटरी काफ़ी वीक है, वो आप ध्यान रखिए, क्योंकि परफॉर्मेंस लैपटॉप है, इतना सारा इसके अंदर वेंट्स दिए हैं, जगह जगह आपको फ़ैन दे रखे हैं, तो वो बैटरी तो खाएंगे ही खाएंगे, प्लस में लाइटिंग दी हुई है सब जगह, तो उसका भी तो आप सोच सकते हैं कि वो भी बैटरी को यूज़ करेगी। तो अगर आप बैटरी का एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 घंटे या 4 घंटे तो वो आप भूल जाइए, वैसा बैकअप आपको नहीं मिलेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, सो अब बात कर लेते हैं, इसके साथ आपको चार्जर मिलता है 200 वाट का जो कि काफ़ी फास्ट वर्क करता है। 1.5 घंटे के अंदर 45 मिनट्स के अंदर ये 82% चार्ज हो गया था, तो आप लगा सकते हैं 1 या 1.25 घंटे के अंदर इसकी बैटरी 100% चार्ज हो जाएगी बंद करने के बाद। लेकिन अगर आप वर्क करते हैं तो उस दौरान ये टाइम 2 घंटे भी हो सकता है, 2.5 घंटे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह का उसमें वर्क कर रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके स्पीकर्स की। तो स्पीकर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं काफ़ी क्रिस्टल क्लियर उनकी साउंड है, प्लस में ये डॉल्बी एटमोस इसके साथ सॉफ्टवेयर आता है, तो काफ़ी अमेजिंग साउंड आपको मिलती है, पूरी सराउंड साउंड मिलती है, और आप इसको DJ भी बना सकते हैं, काफ़ी लाउड है, हालांकि बेस इतना नहीं होता ऑब्वियसली क्योंकि कोई सब वूफर वगैरह इसके अंदर नहीं है, बट साउंड काफ़ी क्रिस्टल क्लियर और काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी लाउड है, आपको कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से किसी भी रूम के अंदर म्यूज़िक या फिर मूवीज़ एंजॉय कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। तो जो भी गेम मैंने इसके अंदर खेले हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, तो मैं ज़्यादातर गेम के लिए मैंने ये नहीं लिया है स्पेशली, मैंने ये स्पेशली लिया है वीडियो एडिटिंग के लिए, तो मैं ज़्यादातर उसी की बात करूँगा, बट स्टिल मैंने इसमें गेम इंस्टॉल करके देखी प्ले करके। तो इसके लिए लिया था मैंने Xbox का गेम पास जो कि आपको इसके साथ फ्री मिलता है 1 मंथ के लिए, तो 1 मंथ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसी के दौरान मैंने इसके अंदर कुछ गेम्स डाली थी, पहली जो गेम मैंने डाली थी वो थी Forza 4, तो वो एक कार रेसिंग वाली गेम है, तो उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिली मेरे को, काफ़ी ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे और स्मूथ लग रहे थे, और उसमें जो मैंने फ्रेम रेट नोट किया था वो 120 FPS मैक्सिमम मुझे मिला था, उससे ज़्यादा भी जा रहा था बट मैक्सिमम ऑन एन एवरेज 120 FPS उसमें मेरे को मिला था। फिर उसके बाद मैंने डाली थी जोम्बी आर्मी ऑफ डेड 4, तो वो मैंने इसमें इंस्टॉल की थी, उसके ग्राफिक्स अमेजिंग हैं, बहुत अमेजिंग क्वालिटी आई मेरे को, और कहीं पे भी कोई लैग या कोई इशू किसी भी तरह का नहीं था, उसमें भी मेरे को 120 FPS के आसपास इसमें फ्रेम रेट मुझे मिले, तो गेम की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और इसके अलावा बच्चों ने मेरे माइनक्राफ्ट वगैरह वो खेली थी, तो उनको भी कोई इस तरह की इशू नहीं आती, माइनक्राफ्ट वगैरह में तो वैसे भी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, GTA 4 भी मैंने इसके अंदर डाली थी, और GTA 4 में भी ग्राफिक्स वगैरह मुझे काफ़ी अच्छे मिले, कहीं पे भी कोई भी किसी तरह का लैग नहीं मिला था। बाकी आई एम नॉट अ गेमर, तो मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, बाकी आप ले सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी गेम है आप उसको
काफ़ी अच्छी क्वालिटी में परफॉर्मेंस के साथ खेल सकते हैं, और जो ऑब्वियसली है गेम प्ले के दौरान ये हीट हो जाता है, बट आपको परफॉर्मेंस में कमी नहीं मिलेगी। टेम्परेचर 85% से ज़्यादा सीपीयू का नहीं जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली फ़ैन इसके ऑन हो जाते हैं जो कि इसको कूल डाउन कर देते हैं। और अब बात कर लेते हैं वीडियो एडिटिंग की। तो वीडियो एडिटिंग में मैंने इसमें 4K फुटेज को एडिट किया था, तो काफ़ी स्मूथ थी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। प्लस में मैंने उस पर कलर ग्रेडिंग अप्लाई की कुछ इफेक्ट्स, और प्लस में सीमलेस ट्रांजिशंस को भी मैंने इसमें यूज़ किया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, अगर मोगेट फाइल्स आप डालते हैं तो ऑब्वियसली उसमें आपको ये रेड लाइन मिलेगी, क्योंकि जो मोगेट फाइल्स के टेम्पलेट होते हैं वो आफ्टर इफेक्ट से सिंक होके चलते हैं, तो उसमें आपको इशू आएगा। वो कोई भी आप लैपटॉप ले लो, आप उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी। हालांकि अब जो मेन बात है वो मेन बात ये है कि इसके एक्सपोर्ट में कितना टाइम लगता है, तो एक्सपोर्ट में बहुत बहुत फास्ट काम करता है। 10 मिनट का जो सीक्वेंस था जिसके अंदर कलर ग्रेडिंग, सीमलेस ट्रांजिशंस प्लस मोगेट टेम्पलेट्स इसके अंदर मैंने यूज़ किए थे, तो उसमें मेरे को टोटल टाइम लगा 4K फुटेज में, वो लगा ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और दूसरी बात, जब मैंने इसको 1080 में एक्सपोर्ट किया तो 1080 पिक्सल्स में यानी कि फुल HD में मुझे टाइम लगा इतना, तो जो कि काफ़ी फास्ट है मेरे पिछले PC से, जो कि i5 है मेरे पास PC, और उसमें जो मेरा ग्राफिक्स कार्ड है वो 1650 है 6050, तो वो GTX है, ये RTX है, तो RTX की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होती है, और ये ऑब्वियसली सीरीज भी ज़्यादा है, तो इसलिए आपको रेंडरिंग टाइम कम मिलेगा। तो जितनी ज़्यादा सीरीज होगी ग्राफिक्स कार्ड की तो उतना ही आपका रेंडरिंग टाइम कम मिलेगा, तो मेन बात यही है। और हाँ, अगर आप टर्बो बूस्ट का बटन ऑन कर देंगे तो उसके बाद ये टाइम काफ़ी और घट जाएगा, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक शॉर्टकट की दी है, उसी के साथ आपको टर्बो बूस्ट में चले जाता है, और उसके बाद आपको और भी कम रेंडरिंग टाइम देखने को मिलता है। तो अब अगर मैं बात कहूँ वीडियो एडिटिंग की, तो अमेजिंग एक्सपीरियंस है, किसी भी तरह का कोई भी लैग नहीं है। 4K फुटेज भी आप आसानी से इसमें यूज़ कर सकते हो। फोटोशॉप में भी मैंने एडिटिंग की तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, किसी भी तरह का कोई भी काम आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैंने 3D का कोई काम नहीं किया, क्योंकि 3D का मेरा कोई वर्क नहीं है, तो वो मैंने टेस्ट नहीं किया है, बट काफ़ी अच्छा लैपटॉप है, आप बेफिक्र होकर इस प्राइस पॉइंट में ले सकते हैं। लेकिन होप आपको और ज़्यादा हैवी चाहिए और कम रेंडरिंग टाइम चाहिए, तो आप जो हायर एंड वाले मॉडल हैं 2-2.5 लाख के वो भी ले सकते हैं, बट 1 लाख के अंदर आपको ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मिलता है। ऑलराइट, सो अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्स की। तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी तक तो मैंने इसकी खासियत आपको सारी बताई थी। सबसे पहले जो इसके अंदर प्रॉब्लम है वो है कि ये बहुत ही हैवी है। इसका वजन 2.5 kg है, 2.5 किलो का है, तो 2.5 किलो का हाथ आप समझ सकते हैं काफ़ी हैवी होता है। तो अगर आप इसको एडिटिंग के लिए या फिर गेम प्ले के लिए ले रहे हैं तो आप आसानी से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपका काम ट्रैवल का है, आप चाहते हैं कि इसको इजीली ट्रैवल पे ले जा सकें, या तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये वेट है तो आपको थोड़ा सा अभी यूज्ड टू होने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप इस बात का ध्यान रख सकते हैं। तो ट्रैवल के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप घर पे एडिटिंग करनी है या फिर ऑफिस में करनी है तो कैरी करने के लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी शुरुआत में। बैग भी आपको इसके लिए थोड़ा सा हैवी लेना पड़ेगा। इसके साथ कोई भी बैग नहीं आता है, ये आपने अनबॉक्सिंग में देख ही लिया होगा, बॉक्स के अंदर वो कुछ नहीं देते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके दूसरी प्रॉब्लम की। तो दूसरी जो इसके अंदर प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके अंदर आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा नहीं मिलता है। जैसा कि मैंने बताया है, नॉर्मल वर्क में 2-2.5 घंटे ही इसमें आपको बैकअप मिलेगा, बैटरी ज़्यादा जल्दी चली जाती है, क्योंकि ये परफॉर्मेंस लैपटॉप है तो इतना होना लाजमी है। तो अगर आप इसको मैकबुक की तरह कंपेयर कर रहे हैं 4-5 घंटे का बैकअप, तो वो आपको इसमें नहीं मिलने वाला है। तीसरी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है कि इसके अंदर वेबकैम नहीं है। जी हाँ, वेबकैम बेशक घटिया क्वालिटी होती है, बट वेबकैम साथ में होता है, तो आपको कोई वीडियो कॉल वगैरह करनी, हालांकि इतना यूज़ नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द लोग उसकी क्वालिटी बेकार होती है, तो एक्सटर्नल वो परचेज करते ही करते हैं। बट स्टिल अगर आपको ये लगता है कि आपके हाँ ये मीटिंग वगैरह के लिए या बच्चे क्लास लेते हैं, तो उसके लिए आपको वेबकैम होना ज़रूरी है।
वेबकैम इसके अंदर नहीं आता है, तो ये इसका ड्रॉबैक है। इन्होंने साथ में भी कोई वेबकैम नहीं दिया है। मैंने सुना है कि जो हाई एंड मॉडल हैं 2.5 लाख के या 3 लाख के, उनके साथ ये वेबकैम देते हैं, पर इसके साथ कोई भी वेबकैम नहीं आता है, तो ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है अगर आपको वेबकैम ही चाहिए तो। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके अंदर जो स्टोरेज है वो काफ़ी कम है, 512 GB काफ़ी कम है कंपेयर टू 1 TB। ऑब्वियसली अगर आप स्पेशली गेम के लिए इसको ले रहे हैं तो आप 1 TB वाला मॉडल ले सकते हैं, या फिर इसको आप बाद में एक्सपेंड भी कर सकते हैं, तो वो इजीली हो जाता है। उसका भी वीडियो इसमें आएगा, क्योंकि मैंने अभी इसको एक्सपेंड करना है, क्योंकि 512 कम है, क्योंकि आजकल जो भी गेम्स आ रही हैं वो 120 GB के आसपास ही आती हैं, तो आप 2-3 गेम डालेंगे तो आपकी स्टोरेज फुल हो जाएगी और आप ज़्यादा गेम इसमें एक टाइम पे एंजॉय नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं, एक गेम डाली, आपने उसको एंजॉय किया और जब उससे मन भर गया तो फिर दूसरी डाली, फिर तीसरी डाली, तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव भी ले सकते हैं, बट इंटरनल स्टोरेज इसकी कम है, तो ये इसकी प्रॉब्लम है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, और इसको यूज़ करते वक्त जो मुझे 1 महीने के अंदर इसके जो इशू आया वो आया एक तो ब्लू स्क्रीन का। तो ब्लू स्क्रीन के कई कारण होते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर या फिर कुछ वायरस वगैरह के कारण भी आपको ब्लू स्क्रीन देखने को मिलती है। अगर लोड काफ़ी पड़ जाता है हार्ड डिस्क पे तो भी आपको ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम दिखती है, तो वो मुझे 2 बार इसमें ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम आई थी, तो उसमें ब्लू स्क्रीन हो गई थी और फिर शट डाउन हो जाता है, फिर रीस्टार्ट हो जाता है, फिर नॉर्मल ये वर्क करता है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसके अंदर मैंने फेस की थी वो ये है कि ये कई बार आई डोंट नो कि जब ये हैवी वर्क वगैरह कुछ करते हैं तो लाइट एकदम डार्क हो जाती है, डिम हो जाती है, और उसके बाद ये शॉर्टकट की है लाइट को अप या डाउन करने की, या ब्राइटनेस को अप एंड डाउन करने की, वो काम नहीं करती है, तो उस टाइम कुछ भी काम नहीं करता, उस टाइम आपको सिर्फ एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम मुझे फेस हुई 2 बार। हालांकि क्यों हुई ये, हो सकता है इस यूनिट में कोई इशू है या फिर कुछ और कोई प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम आपको ध्यान रखनी, ये इशू आपको भी हो सकता है, हालांकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, काम करते करते कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, बट उसके बाद ये प्रॉब्लम मुझे सिर्फ 2 ही बार आई, तो कोई ज़्यादा इशू नहीं है एटलीस्ट मेरे लिए। अगर आपके लिए इशू है तो आप इसको ध्यान में रखिए, ऐसा हो सकता है। ऑलराइट, सो अब बात कर लेते हैं इसके कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में मैं आपको बता दूँ कि 1 लाख की रेंज में अगर आप लैपटॉप देख रहे हैं और बेस्ट गेमिंग लैपटॉप या फिर बेस्ट वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर कंटेंट क्रिएशन के लिए, तो लुक नो फर्दर, आंख बंद करके यू कैन गो फॉर दिस। बहुत ही अमेजिंग लुक वाइज, परफॉर्मेंस वाइज और इवन फॉर दी बजट काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। ये लैपटॉप लेने के बाद आपको किसी भी तरह का रिग्रेट नहीं होगा, आई कैन गारंटी दैट। बिसाइड्स दैट, अगर आप ट्रैवल ज़्यादा करते हैं और ट्रैवलिंग के दौरान आपको कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए चाहिए, तो इन दैट केस आपको 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। 1 नंबर, ये बल्की इन साइज़ है, काफ़ी हैवी है, 2.5 किलो इसका वजन है जैसा कि मैंने बताया। प्लस में दूसरी बात इसकी, ये आपको बैटरी बैकअप आपको कम मिलता है, तो जहां पर चार्जिंग पोर्ट नहीं है वहां आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि इसको आप मोबाइल के चार्जर से भी चार्ज कर सकते हैं, बट वो उतना बैकअप नहीं मिलेगा। कंसीडरिंग ये एक परफॉर्मेंस लैपटॉप है, तो बैटरी लाइफ आप इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपका जो छोटा मोटा काम है, यानी कि लिखने वगैरह का या टाइपिंग वगैरह का या फिर ब्लॉगिंग वगैरह का, ब्लॉग नॉट व्लॉग, अगर वीडियो एडिटिंग करते हैं तो आपको ये चाहिए और इससे आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, टाइपिंग वगैरह का काम है, तो इन दैट केस आप किसी और लैपटॉप की तरफ देख सकते हैं। तो ये लैपटॉप उनके लिए है जिनको चाहिए परफॉर्मेंस प्लस अमेजिंग लुक। तो अगर आपको ये चाहिए तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर खरीद सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो में दिए गए लिंक से खरीदेंगे तो इससे मुझे कुछ हेल्प मिलेगी। सो आई होप ये रिव्यू वीडियो Asus ROG Strix G17 2022 का आपको पसंद आया होगा। अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखी है तो ये वीडियो आप देख सकते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के लिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।